Experience the care of Narayana Health. Hello, dosto. Welcome once again to Let's Talk Health, initiated by Narayana Health. The basic aim जो हमने ये program शुरू किया था was prevention. और आज हम एक बहुत ही important हमारे जो organ हैं उसके ऊपर बात करेंगे. वो है हमारी आँखें या हमारी आईज. और जैसे आपको पता है आईज आर यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे लेट अस सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. एंड हमारे से आँखों की प्रॉब्लम्स और आँखों के बारे में बात करने के लिए एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर जो हमारे नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में आते हैं वो हैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, जो सीनियर कंसल्टेंट ऑप्थमोलॉजिस्ट हैं, ऑप्थमोलॉजी हैं हमारे इस हॉस्पिटल में. सो डॉक्टर दिग्विजय, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ. और इसके पहले हम शुरू करें, अपने बारे में कुछ व्यूअर्स को बताइए. शुक्रिया पांडे वाली, और ये बहुत ही बढ़िया शो है. व्यूअर्स, मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह हूँ. मैं एम्स नई दिल्ली से अपनी ट्रेनिंग करी है और ऑप्थल्मोलॉजी में सुपर स्पेशलिस्ट हूँ. कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा, स्क्विंट, पीडियाट्रिक ऑप्थल्मोलॉजी और न्यूरो ऑप्थल्मोलॉजी जैसी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को डील करता हूँ. थैंक यू सो मच. आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गन जो हमारी आँखें हैं उस पर डील करते हैं. लेकिन डॉक्टर साहब बताइए, आज की जो दुनिया है उसमें सबसे कॉमन आई प्रॉब्लम्स जो आप हैं वो क्या देखते हैं जनरल पॉपुलेशन में? अगर हम जनरल पॉपुलेशन में बात करें तो सबसे कॉमन आई प्रॉब्लम रिफ्रैक्टिव एरर है, माने चश्मे की ज़रूरत, धुंधला दिखना. उसके बाद मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद और शुगर हेतु आंखों के पर्दे में नुकसान होना, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं. आपने जो तीन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया वो छोटे बच्चों से लेके जो एल्डरली लोग हैं तब तक पूरी प्रॉब्लम्स कवर करती हैं. और आज हम थोड़ा सा कैटरैक्ट या मोतियाबिंद के बारे में थोड़ी बात करेंगे. सो ये कैटरैक्ट एंड मोतियाबिंद होता क्या है इसके बारे में ज़रा बताइए, और वॉट कॉजेज कैटरैक्ट इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए. कैटरैक्ट एक आँखों की बीमारी है, बल्कि एक आँखों का बूढ़े होने का संकेत है कि उसमें जो आँखों के अंदर लेंस है, द लेंस इनसाइड, वो वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है. इसलिए इसका नाम सफ़ेद मोतियाबिंद भी रखा जाता है. जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये लेंस अंदर सफ़ेद होता चला जाता है, जिस प्रकार हमारे बाल सफ़ेद होते हैं. बट कैटरैक्ट कैन ऑल्सो हैपन इन द यंग. देर आर टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट जो बच्चों पर भी होता है, यंग लोगों में भी होता है. और इसके कारण में एजिंग है, कुछ दवाइयाँ सच एज स्टेरॉइड्स हैं, कुछ आँखों की बीमारियाँ, कुछ शारीरिक बीमारियाँ इसको कर सकती हैं. आपने बताया कैटरैक्ट ज़्यादातर एज रिलेटेड है, लेकिन यंग लोगों में भी हो सकता है. ऑब्वियसली आँख की कोई भी बीमारी विजन को इफेक्ट करेगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कैटरैक्ट में, या जब डेवलप करना शुरू हो तो कैसे लगता है किसी को कि कोई प्रॉब्लम हो रही है आँख में, स्पेशली मोतियाबिंद की वजह से? यस, द सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट या कैटरैक्ट के लक्षण जो हैं मोतियाबिंद के, बेसिकली व्यक्ति को धुंधला दिखता है, सो ब्लरिंग ऑफ विजन. दूसरा, चौंध लगना, तेज़ रोशनी लगना, फोटोफोबिया, ग्लेयर लाइट में फील होना, ड्राइविंग में डिफ़िकल्टी होना, ये सब प्राइमरी इसके सिम्टम्स होते हैं. और जो इसके साइंस हैं जो व्यक्ति देख सकता है, आँखों में कभी सफ़ेदीपन दिखना, कभी बल्ब के आसपास रंगीन घेरे दिखाई देना या घेरे दिखाई देना बल्ब्स के आसपास, स्ट्रीट लाइट्स के आसपास, ये सब भी इसके लक्षण होते हैं. भाइयों बहनों, डॉक्टर दिग्विजय ने हमारी आईज की जो बेसिक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में शुरुआत में बताया, और फिर उन्होंने कैटरैक्ट या जो सफ़ेद मोतियाबिंद है उसके बारे में बताना शुरू किया है कि ये एज से होता है ज़्यादातर, लेकिन कई यंग लोगों में भी होता है. उन्होंने कैटरैक्ट के सिम्टम्स के बारे में बताया कि धुंधला नज़र आना, लाइट के चारों तरफ चौंध जाना, अचानक होना, और हमें जो बेसिक कॉमन इश्यूज़ हैं कैटरैक्ट से रिलेटेड उनके बारे में बताया. अगर आप डॉक्टर दिग्विजय से और बात करना चाहें, उनसे वीडियो कंसल्ट करना चाहें, उनसे मिलना चाहें, तो www.narayanahealth.org पे जाके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. और या जो QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन में है उससे आप डाउनलोड कीजिए, NH Care ऐप डाउनलोड कीजिए, और NH Care ऐप से भी आप डॉक्टर दिग्विजय से मिल सकते हैं, उनसे कुछ और जानकारी ले सकते हैं. डॉक्टर साहब, आपने सिम्टम्स और आपने कॉजेज और उनके बारे में बता दिया, अब हम थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं. ट्रीटमेंट ऑब्वियसली नॉन सर्जिकल और एक सर्जिकल, तो आप ज़रा धीरे धीरे जब कैटरैक्ट बढ़ना शुरू हो तो शुरू से लेके आगे तक कैसे ट्रीटमेंट चलती है? बिल्कुल, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैटरैक्ट एक ट्रीटेबल बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है जिसका हम उपचार कर सकते हैं. शुरुआत में
चश्मा दे करके हम जो व्यक्ति का धुंधलापन है उसको कुछ हद तक सही कर सकते हैं, उसकी रोशनी बेहतर हो जाती है, उसका कुछ समय निकल जाता है। पर जैसे जैसे कैटरैक्ट बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आँख में सफ़ेदी बढ़ती रहती है लेंस में, ये चश्मा भी काम नहीं करता है। देखिए, इस चीज़ की कोई दवाइयाँ नहीं होती सर, इसके लिए फाइनली ऑपरेशन ही करना पड़ता है, जिसको हम लोग कैटरैक्ट सर्जरी कहलाते हैं। आजकल ये जो सर्जरी है कैटरैक्ट सर्जरी, ये बहुत छोटे माइक्रो इंसिजन से हो जाती है, कई बार लेज़र के ज़रिए हमें मदद मिल जाती है इसको करने में। और इस सर्जरी में कैटरैक्ट को निकाल करके आँखों में से हम इसमें एक और लेंस डाल देते हैं। जो आम कैटरैक्ट सर्जरी है, द नॉर्मल कैटरैक्ट सर्जरी जो रूटीनली हम परफॉर्म करते हैं, उसको फेको इमल्सिफिकेशन का नाम दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये कैटरैक्ट सर्जरी इज़ अ वेरी ऑफकोर्स इट्स अ सर्जरी, लेकिन ये कैसे की जाती है? मतलब पेशेंट को कितना दिन रहना पड़ता है हॉस्पिटल में, इज़ इट पेनफुल? बिकॉज ये सब बातें हमारे दिमाग में कई बार आती हैं, तो आप इस सर्जरी के बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल, कैटरैक्ट सर्जरी जो है एक छोटी ड्यूरेशन की सर्जरी है, जो डे केयर प्रोसीजर है। माने पेशेंट हॉस्पिटल आता है और कुछ ही घंटों में सर्जरी करा के घर चले जाता है। सर्जरी में आंख को सुन किया जाता है, आमतौर पे दवाइयाँ के ड्रॉप्स डाल करके या फिर कई बार सुई लगा करके। इसमें महसूस कुछ भी नहीं होता, मात्र 15-20 मिनट का ऑपरेशन होता है पूरा। और ये आई थिंक सर्जरीज में पेशेंट की तरफ से शायद सबसे सरल सर्जरी में आ सकता है। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स की तरफ से ये एक काफ़ी प्रिसिजन वाली सर्जरी होती है और इसको हम बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, जब हमने ये प्रोग्राम की शुरुआत की थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था प्रिवेंशन का, तो अब हम ऑलमोस्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे आ गए हैं। मैं अपने जो पॉपुलेशन को, यंग पॉपुलेशन और जो हमारे एजड भाई बहन हैं, उन पे अलग अलग तरीके से लेके जाऊंगा। सो आपकी क्या राय होगी, जो यंगस्टर्स हैं जो स्कूल में किताबें पढ़ते हैं, उनको अपनी आईज़ की तरफ कैसे ध्यान देना चाहिए, कैसे क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि आंखें जल्दी ख़राब ना हो उनकी, और जो हमारे एल्डरली भाई बहन हैं उनको क्या कुछ अलग चीज़ें करनी चाहिए उनकी प्रिवेंशन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है, कितने ड्यूरेशन में आईज़ का चेकअप हमें यंगस्टर्स उनको कराना चाहिए और जो एजड पॉपुलेशन उनको कराना चाहिए? बिल्कुल, आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। आजकल हमें यंग लोगों में भी आँखों की काफ़ी प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, खास तौर पे हमने देखा है ये कोविड के बाद में, जब से वर्क फ्रॉम होम, बच्चों का स्कूलिंग फ्रॉम होम ऑनलाइन रहा है, तो आँखों में काफ़ी कमज़ोरियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो इसके लिए जो यंग लोग हैं उनको मैं ये एडवाइज़ करूँगा, एक, आप अच्छी डाइट लीजिए आँखों के लिए, हरी सब्जियाँ, गाजर, चकुंदर, पपीता, बादाम, आंवला, फिश, एग, ये सब आँखों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। दूसरा, अगर आप स्क्रीन देखते हैं या कोई भी नज़दीकी काम करते हैं, इसमें ब्रेक ज़रूर लीजिए, इसको लगातार सारा दिन ना इस पर बैठिए, बाहर जाइए, बाहर समय स्पेंड करिए। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाहर जाके खेलें, दूर तक देखें, ये तो यंग लोगों के लिए है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी है, तो उसका ज़रूर कंट्रोल करें, उसके लिए अपने फिजिशियन से मिलिए और आप नारायणा में आकर के कंसल्टेशन ले सकते हैं। जहाँ तक ठहरा एल्डरली लोगों का सवाल, एल्डरली लोगों के लिए सेम प्रिकॉशंस करेंगे आज की डेट में, पर साथ ही साथ ओवरऑल सेहत बनाए रखना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। जैसे और दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं, यदि उसमें कोई स्टेरॉयड की दवाइयाँ हैं या कोई अगर गर्म दवाइयाँ हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से पता करिए कि इसका कोई आँखों पर असर तो नहीं है, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को आप 6-6 महीने में ज़रूर चेक कराइए। यंग लोग चाहे साल में एक बार भी चेक करा सकते हैं, जो पेशेंट डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर वाला है वो ज़रूर 6 महीने में आंखें चेक कराए। दोस्तों, डॉक्टर दिग्विजय ने एक बहुत ही सिंपल सरल तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर दिया। उन्होंने शुरुआत की अलग अलग प्रॉब्लम से जो हमारी आजकल हमारी आईज़ में आती हैं, उन्होंने कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद के बारे में हमें बताया, उसके इलाज के बारे में बताया, और उन्होंने जब बहुत दिमाग में आता है कि कैटरैक्ट सर्जरी होती कैसे है, उसमें दर्द होता है, कितनी देर की होती है, उसके बारे में भी हमें बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जो यंग हमारे भाई बहन हैं वो कई चीज़ों के बारे में अपना इलाज अपने ध्यान रखें, जैसे खान पीन का, बाहर जाएँ, स्क्रीन की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, और साल में एक बार कम से कम अपना आईज़ चेकअप कराएं। उन्होंने जो हमारी एल्डर पॉपुलेशन है उनके लिए भी सेम ही चीज़ें बताई उन्होंने, लेकिन ये भी बताया कि कैटरैक्ट की अगर प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आप सब भी इन सब बातों को आपने सुना है और डॉक्टर दिग्विजय से कुछ और डाउट्स आपके दिमाग में हैं, आप मिलना चाहें, तो डॉक्टर दिग्विजय से आप www.narayanahealth.org
पे जाके डॉक्टर दिग्विजय से कंसल्टेशन ले सकते हैं, वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, और या जो QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन पे है उसको आप डाउनलोड कीजिए NH Care ऐप, और उससे भी आप डॉक्टर दिग्विजय से मिल सकते हैं। याद रखिए, आईज आर यू नो कहते हैं ना, हमारे जो गेटवे है वर्ल्ड का उसको देखने के लिए, सो इनको आप बहुत अच्छे से रखिए और ये कई साल यू नो आपके साथ अच्छा निभाएंगे। डॉक्टर दिग्विजय, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सिंपल तरीके से लोगों के जो कॉमन डाउट्स होते हैं आईज के बारे में आंसर किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये जो आज का एपिसोड है, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने भाइयों बहनों सबसे शेयर कीजिए, बिकॉज जो हमारी एक इनिशिएटिव है प्रिवेंशन की तरफ, बेटर हेल्थ की तरफ, उसमें जाने में हम सबको इसमें मदद मिलेगी। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।